हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस एक्टिविटी जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर एंड किया था, और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसका टॉपिक देख लेते क्या है। हाई स्पीड विंड्स आर अकॉम्पनीड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। जहाँ पे हवा तेज़ चलती है वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है हवा का। तो इसी के लिए, इसी को समझाने के लिए एक्टिविटी है कि एक लड़का है, वो क्या किया, एक बॉटल लिया है खाली, उसमें क्रम्बल, यहाँ पे लिखा है क्रम्बल, मतलब एक कागज़ का बॉल बना लिया है छोटा सा, और उसके बॉटल के माउथ पे रख करके उसको फूंक रहा है, ब्लो कर रहा है तेज़ी से। तो क्या हो रहा है कि ये बॉल जो है अंदर बॉटल में नहीं जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो बाहर की तरफ बॉल आ रही है। तो ये सारा सिचुएशन है, ठीक ना। तो ये एक्टिविटी एक दी हुई है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ये फूंक रहा है अंदर की तरफ, तो कागज़ के छोटे से जो टुकड़ा है या बॉल है उसको तो खाली बॉटल में अंदर जाना चाहिए, लेकिन वो कागज़ का टुकड़ा बाहर आ रहा है फूंकने पर। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ट्राई दिस एक्टिविटी विद बॉटल ऑफ डिफरेंट साइज, चैलेंज योर फ्रेंड्स। अलग अलग साइज़ के बॉटल ले लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं कि क्या तुम ये करके दिखा सकते हो, और कागज़ के टुकड़े को या कागज़ के बॉल को छोटे उसके माउथ से ब्लो करके अंदर पुश कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। इतना मुश्किल क्यों होता है जो कागज़ के टुकड़े को बॉटल के अंदर पुश करना, इतना मुश्किल क्यों होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो अगर ध्यान से समझा जाए कि यहाँ लड़का जो है बहुत तेज़ी से इसको फूंक रहा है यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे बॉटल खाली था, मतलब देखने के लिए खाली था, एक्चुअली में तो यहाँ इसमें एयर भरी हुई थी। जब ये फूंक रहा है तो इसमें एयर का अमाउंट और बढ़ जा रहा है ना। और जब एयर का अमाउंट बढ़ जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि एयर जहाँ ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में है, वो ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा और उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एयर का प्रेशर अंदर ज़्यादा बन रहा है और बाहर जो है एयर लिमिटेड अमाउंट में निकल रहा है, जितना फूंक रहा है लड़का, है ना। तो इसकी वजह से यहाँ प्रेशर कम है और यहाँ ज़्यादा है बॉटल में, इसलिए प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ लगता है। तो ये जब ये फूंक रहा है कागज़ टुकड़े को, तो कागज़ का टुकड़ा अंदर जाने के बजाय बाहर आ जा रहा है, क्योंकि बॉटल के अंदर जो ज़्यादा अमाउंट में एयर है वो ज़्यादा प्रेशर इस पर लगा रहा है, इस कागज़ टुकड़े पर बाहर लगाने के लिए। जबकि इसके लड़के के मुँह से जब ब्लो करते हुए हवा निकल रही है, उसका प्रेशर काफ़ी लो है ना। अब इससे एक दूसरा पॉइंट भी आ सकता है, क्लियर हो सकता है हमको कि यहाँ पे जो लड़का फूंक रहा है हवा, वो बहुत तेज़ी से हवा जा रही है ना। मतलब यहाँ विंड की स्पीड, हवा की स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से फूंक रहा है, लेकिन अंदर बॉटल के विंड की स्पीड क्या है, बहुत ही स्लो है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ही स्लो है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हम लोग अभी समझे, और जहाँ विंड की स्पीड बहुत हाई है, बहुत तेज़ी से फूंक रहा है, वहाँ पे प्रेशर क्या है, लो है। तो ज़्यादा प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है, दैट्स वाई ये कागज़ का टुकड़ा अंदर ब्लो करने पे भी नहीं जा रहा है, फूंकने पे अंदर नहीं जा रहा, बाहर ही चला जा रहा है, ठीक ना। तो ये रीज़न है। इस तरह से एक्टिविटी करके आप ईजिली इस टॉपिक को समझ सकते हैं। उसी टॉपिक को समझाने के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर कि बलून को ब्लो करके इस तरह से अरेंजमेंट करके क्या क्या करना है। चलिए पहले देख लेते हैं कि दो इक्वल साइज़ के बलून लीजिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भर दीजिए और फिर उसको फूंक करके, हवा भर करके, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज में कर दीजिए, और उसके बाद उसको बांध दीजिए ताकि उसमें से एयर ना निकले। और बांधने के बाद उसको एक मेटल का कोई रॉड हो पतला सा, उसमें बांध दीजिए दोनों बलून को, फूले हुए बलून को जिसमें पानी थोड़ा थोड़ा है, ठीक, उसको इसी तरह से होल्ड करिए, होल्ड करके और बलून को इस तरह से बांधिए कि दोनों के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक ना। दोनों 8 से 10 सेंटीमीटर दूर रहे हैं बलून, एकदम पास पास में उनको नहीं रखना है। अब ये सारा अरेंजमेंट करने के बाद आप क्या करिए कि इस तरह से होल्ड कर लीजिए दोनों हाथों से उस रॉड को जिसमें दोनों बलून बांधे गए हैं, और खूब तेज़ी से फूंकिए, मतलब ब्लो करिए एयर अपने मुँह से इन दोनों बलून के बीच में, ठीक है, दोनों बलून के बीच में आपको हवा फूंकनी है या भरनी है। अब उसमें क्या होगा ये हम लोग समझेंगे।
थोड़ी देर में पहले एक और एक्टिविटी को देख लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि इसमें होगा क्या, आपको भी आश्चर्य होगा। तो ये आप खुद घर पर करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। वैसे अभी भी क्लियर हो जाएगा, पिछले जो हम लोग एक्टिविटी समझे हैं, जो बॉटल के अंदर कागज़ का टुकड़ा फूंक रहे थे, ब्लो कर रहे थे, लगभग वही कॉन्सेप्ट यहाँ है। वही जो कॉन्सेप्ट है, वही जो रीजन है, वही यहाँ पर भी है। तो आप उसको सोचिए तो डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हैं कि जब ये बलून के बीच में आप फूकेंगे हवा, तो बलून कहाँ जाएगा, क्या होगा, कैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। तो पहले एक और एक्टिविटी ले लेते हैं। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, क्या किसी चीज़ को आप लोग फूक सकते हैं और उसको उठा सकते हैं, मतलब ऊपर कर सकते हैं, लिफ्ट मतलब ऊपर करना। तो यहाँ पे क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर लंबा पेपर स्ट्रिप लीजिए जो 3 सेंटीमीटर चौड़ा हो, ठीक ना। यानी कागज़ का एक लंबा सा टुकड़ा, लंबा सा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पतला मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा हो और 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अराउंड चौड़ा हो, ठीक। तो इसको फिर इस तरह से मुंह पर लगाकर उसको ब्लो करिए, मुंह से हवा फूकिए। तो इस केस में पहली भुजों में आपस में कंपटीशन हो रहा है, दोनों गेस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। जैसे आप भी गेस कर सकती है, होगा क्या, पहली सोच रही है कि मतलब वो कह रही है कि मेरे हिसाब से जब इसको फूकेंगे कागज़ के टुकड़े को, लंबे से टुकड़े को, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि भुजों वाला नहीं, हम इसको फूकेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों में से किसका गेस सही होगा, इसके पीछे हम लोग साइंटिफिक रीजन क्या है, एयर प्रेशर का क्या रोल है, वो सारा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बारी बारी से समझते हैं एक्टिविटीज़ 8.2, 8.3 एंड 8.4। 8.2 तो मैंने अभी आपको समझा दिया, और इसी एक्टिविटी समझ के बाकी भी आप जो अदर एक्टिविटीज़ अभी हम लोगों ने देखी है वो समझ सकते हैं। इसी सेम कॉन्सेप्ट अगले सारे एक्टिविटीज़ में भी समझाया गया है। तो सबसे पहले 8.3 समझते हैं। 8.2 तो हम लोग समझ गए इजीली, है ना। तो 8.3 में क्या हो रहा है कि बलून के बीच में 8 से 10 सेंटीमीटर का गैप है, और दो इस गैप में लड़का जो है फूंक रहा है बहुत तेज़ी से। अब सोचिए जब वो फूकेगा तो उसके मुंह से आवाज़ की, मतलब जो हवा निकलेगी बहुत ही तेज़ी से निकलेगी, उसका विंड स्पीड क्या होगा, बहुत हाई। और अभी हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देखा था, समझा था कि जब हवा तेज़ चलती है तो विंड का प्रेशर क्या हो जाता है, एयर प्रेशर लो हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। जब यहाँ पे प्रेशर जहाँ ये फूंक रहा है दोनों बलून के बीच में लो हो जाएगा, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। और जो क्या करेगा, इन दोनों बलून को पुश करेगा एक दूसरे की तरफ। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि प्रेशर एटमॉस्फेयर के एयर का ज़्यादा रहेगा और ये जो फूंक रहा है उसका प्रेशर कम रहेगा, जिसकी वजह से बलून फूंकने पर पास पास में आएंगे, आपस में एक दूसरे की तरफ आएंगे, दूर नहीं जाएंगे, पास में आएंगे। हो सकता है टकरा भी जाएं, ये पॉसिबिलिटी है ना, लेकिन दूर नहीं जाएंगे, पास में आएंगे। रीजन सेम है कि ये मुंह से बहुत तेज़ी से फूंक रहा है, तेज़ी से फूंक रहा है यानी हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। बहुत ज़्यादा स्पीड जब हवा की रहती है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, लो। और जब प्रेशर यहाँ लो है तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर का एयर है उसकी वजह से वहाँ पे एयर का स्पीड बहुत, मतलब उसके कंपेरिजन में काफ़ी लो है, तो यहाँ प्रेशर हाई हो गया। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर रहा है ना, हवा जो है हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव कर रही है, जिसकी वजह से बलून भी एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, आपस में टकरा भी सकते हैं। तो ये होगा इस एक्टिविटी में। आगे समझते हैं, तो ये पेपर स्ट्रिप वाला हम लोग समझ लिए। वी से दे, तो इस एक्टिविटी से, इन दोनों एक्टिविटी से, जैसे बॉटल वाला हो गया या पेपर स्ट्रिप, सॉरी बलून वाला हो गया, और पेपर स्ट्रिप भी समझ लेते हैं। तो पेपर स्ट्रिप में हम देखिए ध्यान से इसको, कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा कि बॉटल वाला या बलून वाले एक्टिविटी में है, कि आप पेपर स्ट्रिप लिए हैं उसको फूंक रहे हैं। जब आप मुंह पे लगा के फूकेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके मुंह से हवा जो है ऊपर की तरफ निकल रही है, पेपर स्ट्रिप के ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं। अब उससे क्या होगा, जब आप फूकेंगे तो हवा ऊपर बहुत तेज़ी से निकलेगी, ठीक। अब जब तेज़ी से ऊपर हवा निकलेगी तो पेपर स्ट्रिप के ऊपर के सरफेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और आसपास का एयर जो है नीचे से पेपर स्ट्रिप पे कौन सा प्रेशर लगाएगा, हाई प्रेशर लगाएगा, क्योंकि वहाँ हवा की स्पीड लो है। समझ रहे हैं ना बात, कि जब हम लोग फूकेंगे इस पेपर को, पेपर स्ट्रिप को लेकर के, तो क्या होगा
कि इस पेपर के ऊपर के सरफेस पे हमारे मुंह से बहुत तेज़ी से तेज स्पीड से हवा निकलेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे उस ऊपर के रीजन में, उस ऊपर के एरिया में प्रेशर लो हो जाएगा, और नीचे जो पेपर स्ट्रिप है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से, वहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसका स्पीड लो है, जिसकी वजह से ये पेपर स्ट्रिप किधर उड़ के जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर जाएगा। तो यानी जो पहले में सोचा था कि पेपर स्ट्रिप फूकने पे ऊपर जाएगा, उसने सही सोचा था। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि जब हम लोग फूकते हैं तो हवा ऊपर के पेपर स्ट्रिप के ऊपर के सरफेस में बहुत तेज़ी से चलती है, जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर ऊपर की तरफ लो हो जाता है, और एटमॉस्फेयर का जो एयर है आसपास का एनवायरनमेंट में, उसका प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमेशा हवा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी पेपर स्ट्रिप ऊपर की तरफ उड़ेगा फूकने पर। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ को देख करके फाइनली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंक्रीज विंड स्पीड इज इंडीड अकॉम्पनीड बाई अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी जब हवा की रफ्तार बढ़ती है, हवा बहुत तेज़ी से चलती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रेशर, हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। या इसको अगर ऑन द अदर हैंड दूसरी तरह समझें तो जब हवा की रफ्तार कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और हवा की रफ्तार जब बढ़ जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो हवा की रफ्तार कम हो जाएगी, और हवा की रफ्तार बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये हम लोग को इन सारे एक्टिविटीज से क्लियर हो जाता है। अब एक और इसमें कंडीशन दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड ब्लू ओवर द रूफ ऑफ बिल्डिंग, इफ द रूफ वर वीक दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे। तो जैसा कह रहा है कि मान लीजिए बहुत तेज़ी से हवा चल रही है, मतलब आंधी तूफान आ गया है, आपका घर है या बिल्डिंग है या कोई रूम है जिसमें आप रहते हैं, तो उसका छत मान लीजिए कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में सिमिलर वही सिचुएशन होगा जैसा कि इन सारी एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने देखा कि हवा हमारे रूम के या घर के बाहर बहुत तेज़ चल रही है छत के ऊपर, तो वहाँ जहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है वहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत ही लो, और जितना लो प्रेशर होगा उतना ही हमारे रूम के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और हवा कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो बहुत ज़्यादा तेज़ अगर बाहर की हवा चलेगी तो बाहर का प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, उसके कंपेरिजन में हमारे रूम का प्रेशर, रूम के अंदर जो हवा है उसका प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली अगर हमारा जो रूम है उसका जो छत है अगर कमज़ोर है तो तोड़कर हवा निकल जाएगी और प्रेशर को बैलेंस करेगी। तो इसीलिए आप बहुत सारे टीवी चैनल्स में या समाचारों में देखते होंगे, सुनते होंगे कि आंधी तूफान आने से किसी की घर की छत उड़ गई या टूट गई, तो उसका अर्थ यही होता है क्योंकि प्रेशर बाहर कम हो जाता है, क्योंकि हवा बाहर बहुत तेज़ चलती है और रूम में प्रेशर लो हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है और छत टूट जाता है या छत उड़कर चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये इसी वजह से होता है। इफ़ यू हैव सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड, ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी किया है तो आप फ्रेंड्स को भी अपने शेयर कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने ऐसा होते हुए देखा या सुना है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस, अब चलिए समझते हैं कि किस तरह से विंड्स जो है प्रोड्यूस होती हैं, कैसे हवाएं जो हैं प्रोड्यूस होती हैं, मतलब एयर तो हम लोग जानते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन विंड जो है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो विंड कैसे प्रोड्यूस होता है, विंड कैसे मूव करता है, और ये कैसे बारिश लाता है, रेन लाता है, और कैसे डिस्ट्रक्शन करता है, जब बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है विंड की तो क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है, बर्बादी होती है बहुत सारी, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे समझेंगे। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट इज कॉल्ड विंड, जब हवा मूव करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं, सिमिलर बहुत ही सिंपल सी बात है ना, बहती हुई हवा को या मूविंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, अभी हम लोग सारी एक्टिविटी से समझे हैं कि एयर हमेशा मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, यानी हवा उस रीजन से मूव करती है जहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है, और वहाँ से कहाँ मूव करती है, यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम है ना, तो हमेशा हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ
मूव करती है। ठीक, तो इस तरह से विंड का मूवमेंट हम लोग को समझ में आ गया कि हवा कैसे मूव करती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एयर प्रेशर। एंड विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर एरिया टू रीजन ऑफ लो प्रेशर एरिया। ठीक ना, तो इसीलिए घरों की दीवारें वगैरह जो उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं आंधी तूफान आने पे, वहाँ पे वही हो जाता है सिचुएशन। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है जिसकी वजह से प्रेशर लो हो जाता है बाहर, और अंदर हमारे रूम में हवा का स्पीड बहुत कम है उसके कंपेरिजन में, बाहर के कंपेरिजन में, तो वहाँ प्रेशर हाई हो जाता है। और हवा कहाँ से काम मूव करती है, हाई से लो। तो वो हवा अगर कमज़ोर छत है तो उसको वहाँ से मूव करेगी छत को तोड़ करके, और छत टूट जाएगा, उड़ जाता है, है ना। तो यही ये हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह हवा मूव करती है प्रेशर की वजह से। लेकिन ये प्रेशर में डिफरेंस कैसे आ रहा है, कहीं प्रेशर बढ़ क्यों जा रहा है, कहीं प्रेशर कम क्यों हो जा रहा है, है ना। हवा जितना ज़्यादा प्रेशर में चेंजेस रहेगा, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है, कहीं बहुत कम प्रेशर है, तो उतना ही तेज़ हवा मूव करेगी। तो ये प्रेशर में जो चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, ऐसा कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले आगे के चैप्टर के और पार्ट्स में क्लियरली समझेंगे कि ये प्रेशर में चेंजेस क्यों आता है। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर का उसमें कोई रोल है, क्या टेम्परेचर के चेंज होने से प्रेशर में चेंजेस हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्क्लोज करेंगे, समझेंगे वन बाई वन। ठीक, आइए हम लोग एक और एक्टिविटी देखते हैं, और उस एक्टिविटी से हम लोग क्या समझेंगे, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हवा जो है फैलती है हीटिंग करने पे, गर्म करने पे, उसको हवा को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। तो एक्टिविटी 8.5, आइए इसको देखते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या लेना है, एक बीकर लेना है या कांच का ग्लास लेना है, ठीक, और एक बॉयलिंग ट्यूब। बॉयलिंग ट्यूब एक नॉर्मल ट्यूब रहेगा, टेस्ट ट्यूब टाइप का रहता है, थोड़ा थिक रहेगा, ठीक, और उसमें वो खाली रहेगा ट्यूब, और एक तरफ से ओपन रहता है, एक तरफ से बंद रहता है ट्यूब। आप लोग देखे होंगे, या फिर नहीं देखे होंगे तो आप लैब जब स्कूल खुलेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब कैसा होता है। उसी तरह का आकार का ये बॉयलिंग ट्यूब होता है, थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा और ज़्यादा मजबूत होता है। तो एक बीकर ले लिए, और एक ट्यूब ले लिए, और एक बलून ले लिए। बलून को उस ट्यूब के जो बॉयलिंग ट्यूब है उसके माउथ पे बांध दिए, मतलब टाइटली लगा दिए। अब उस ये जो बीकर है या ग्लास है उसमें पानी लिए, नॉर्मल वाटर, और उस ग्लास में इस ट्यूब को रख दिए। तो देखेंगे बलून जैसा लगा वैसा ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं हुआ। फिर इसी ट्यूब को फिर गर्म पानी में रखेंगे, ठीक ना। अभी तो नॉर्मल पानी में रख के कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर गर्म पानी में रखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या है, बलून जो इसमें लगा हुआ था एकदम सिकुड़ा हुआ था वो फूलने लगा, थोड़ा ही फूला, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फूला, लेकिन फूलने लगा, ये हमको दिखा, मतलब इन्फ्लेट होने लगा, फूलने लगा। तो गर्म पानी में रखने पर फूल गया, ये कुछ नया हम लोग को देखने को मिला। फिर अगले स्टेप में क्या देखते हैं, हम इसी ट्यूब को जो गर्म हो गया था, गर्म पानी में रखे थे, इसको हम लोग ठंडे पानी में, आइस कोल्ड वाटर में रखेंगे, यानी जिसमें बर्फ रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। तो उसमें जैसे रखेंगे तो क्या देखेंगे कि बलून जो फूला हुआ था थोड़ा बहुत, वो सिकुड़ गया, एकदम डिफ्लेट हो गया, मतलब पिचक गया, सिकुड़ गया। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इससे क्लियर क्या हो रहा है, पहले हम लोग देख लेते हैं इससे क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके माइंड में, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट मेक्स बलून इन्फ्लेटेड, बलून ये फूल क्यों जा रहा है, ये आप सोच सकते हैं, है ना। बॉइलिंग जब गर्म पानी में रख रहे हैं तो बलून क्यों फूल जा रहा है इसमें लगा हुआ, और जब ठंडे पानी में रख रहे हैं तो डिफ्लेट क्यों जा रहा है, मतलब सिकुड़ क्यों जा रहा है, श्रिंक क्यों जा रहा है। और ये जो गर्म पानी में रखने पे क्या हो रहा है कि हीटिंग वाला प्रोसेस हो रहा है, सिंपल गर्म पानी है तो हीटिंग तो होगा ही, और हीटिंग वजह से हवा एक्सपेंड हो रही है, क्या ये सही है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग वन बाई वन समझेंगे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो चलिए इसको क्लियरली समझ लेते हैं। नॉर्मल वाटर में रखे, कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं, जैसे का तैसा है ये बलून। लेकिन जैसे गर्म पानी में के टच में ये ट्यूब आया तो ट्यूब के अंदर जो भी हवा भरी होगी वो गर्म हो जाएगी, और जब कोई भी चीज़ हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होती है, फैलती है, चाहे वो मेटल हो कुछ भी हो, हर चीज़ जो है गर्म होने पे एक्सपेंड होती है, फैलने लगती है। और जब कोई चीज़ फैलती है तो हल्की हो जाती है, है ना। अब जैसे यहाँ पर इस ट्यूब, यह ट्यूब पूरा खाली था, बस इसके दूसरे एंड पर क्या लगा हुआ है, एक बलून।
तो जैसे इसको गर्म पानी में रखा गया, जो ये ग्लास है इसमें गर्म पानी है उसके कांटेक्ट में आया, तो ट्यूब के अंदर जो भी गैस थी वो गर्म हो गई और फैलने लगी, एक्सपेंड होने लगी। और फैलने के चक्कर में क्या हो गई, ये बलून को फुलाने लगी, क्योंकि बलून में तो पहले एयर था नहीं, केवल इस ट्यूब में था, लेकिन जैसे ही गर्मी मिला इस ट्यूब को, इसके अंदर की गैस जो और जगह इसको डिमांड करने लगी और इसको जगह मांग चाहने लगा, और जिसकी वजह से ये गैस इस बलून में इंटर कर गई और बलून फूलने लगा, इन्फ्लेट होने लगा। ठीक, अब तीसरे सिचुएशन क्या हो रहा है कि इसी गर्म वाले जो अभी फूल रहा था बलून, उसको गर्म से सीधे एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन ला दिए, एकदम आइस कोल्ड वाटर में, आइस रखा हुआ है पानी, इसमें एकदम ठंडे पानी के कांटेक्ट में आते ही ये जो टेस्ट ट्यूब था या ये बॉयलिंग ट्यूब था, इसमें की गैस जो थी जो एक्सपेंड हो गई थी, फैल गई थी, ठंडा पाते ही कूलिंग इफेक्ट की वजह से सारी गैस कंडेंस हो गई। ठीक ना, कंडेंस हो गई, जिसकी वजह से जो बलून फूला हुआ था वो पिचक गया, श्रिंक हो गया। तो ये दोनों हम लोग ऑब्जर्वेशन देख के ये क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पर हवा जो इसमें ट्यूब में थी गर्म हो गई थी, इसलिए फैल रही थी, जिसकी वजह से बलून फूल रहा था। लेकिन इस कंडीशन में जब इसको ठंडे पानी में के कांटेक्ट में रखा गया, तो इसके ट्यूब के अंदर की जो हवा गर्म हो गई थी, जो फैली थी इसमें, वो तुरंत बहुत तेज़ी से ठंडी हो गई और कूलिंग इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो फैली हुई हवा थी वो कम जगह में रह गई, और कम जगह में रह गई तो इसलिए बलून पिचक गया या श्रिंक हो गया, है ना। तो इस एक्टिविटी से हमको क्लियर हो रहा है कि हवा एक्सपेंड होती है जब उसको गर्म किया जाता है ना, ये क्लियर इंडिकेशन है। दैट्स वाई इस टॉपिक का नाम है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। चलिए एक और कोई एक्टिविटी देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। अगला एक्टिविटी 8.6 है, इसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। चूँकि इसमें कैंडल का यूज करना है, इसलिए बहुत ही सावधानी बरतना है, कोई भी लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो कोई भी एक्सीडेंट या कुछ भी हार्म हो सकता है, चोट लग सकती है, तो केयर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रॉड लेंगे, पिछले जैसे यहाँ पर एक रॉड लिए थे, कोई उसी तरह का एक रॉड लेंगे जिसमें दो पेपर बैग मतलब पेपर बैग भी ले सकते हैं या पेपर कप भी ले सकते हैं, यहाँ पर पेपर बैग लिया हुआ है। दोनों एक ही साइज करेंगे, एक ही हाइट पर बांधे रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे बांधे रहेंगे। जैसे बैलेंस होता है तराजू, सब्जी वाले के पास आप गए होंगे तो देखे होंगे तराजू होता है, जब बैलेंस बराबर होता है दोनों एक मतलब इक्वल लेवल पे होते हैं, तो उसी तरह से इन दोनों का वेट हाइट और जो भी साइज है और जिस तरह से बांधे गए जिस पोजिशन पर इक्वल एकदम रहेंगे, है ना, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं रहेगा, सेम लेवल पर रहेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, कैंडल लाएंगे, कैंडल को किसी एक पेपर बैग के पास ले जाएंगे, बहुत पास नहीं ले जाएंगे, इसको जलाना नहीं है हमको किसी पेपर बैग को, केवल हमको उसको हीट देना है। ठीक, तो इतना मतलब इतनी दूरी मेंटेन रखेंगे कि आग ना पकड़े, बस पेपर बैग में उस कैंडल का हीट ट्रांसफ़र हो, है ना। तो यहाँ पर पेपर बैग के पास मतलब थोड़े पास ले जाएंगे जिससे आग ना पकड़े, इसका हीट ट्रांसफ़र करेंगे एक पेपर बैग में, तो पेपर बैग में जो हवा भरी थी वो गर्म हो जाएगी, और जब हवा गर्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि हवा फैलने लगेगी। अब जब कोई चीज़ फैल जाती है, मान लीजिए कोई चीज़ इतना छोटा है ना, उसको वो फैल के इतना हो गया, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, और हल्का हो जाएगा ना। जैसे कि कोई लोहे का सिक्का है इतना छोटा, या मतलब 2 किलो का कोई चीज़ इतना बड़ा सा है लोहे का टुकड़ा, लेकिन उसको पीट कर इतना बड़ा कर दिया, तो कौन सा हल्का रहेगा, ये वाला इतना छोटा कि इतना बड़ा वाला, ये बड़ा वाला हल्का होगा, हालांकि वेट दोनों का सेम है लेकिन काफ़ी लाइटर हो जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है हमको, जैसे ही किसी एक पेपर बैग को गर्मी देंगे कैंडल से, तो उसमें मौजूद जो एयर है गर्म होगी, एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, और हवा और क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। हल्की होने का क्लियर इंडिकेशन दिखेगा कि जो दोनों बैलेंस लेवल पे थे, तो हल्की वाली जो जिसको गर्मी दे रहे हैं वो जो पेपर बैग है ऊपर चली जाएगी। वो पेपर बैग ऊपर क्यों चली गई, क्योंकि उसमें हवा गर्म हो गई, है ना, इट बिकम लाइटर देन द अदर पेपर बैग। और हम लोग को ये क्लियरली दिख रहा है कि जो चीज़ हल्की होती, तराजू पे हम लोग देखते हैं सब्जी वगैरह जो बेचते हैं, तो जो चीज़ हल्की होती है उसकी तरफ का बैलेंस ऊपर हो जाता है, और जो चीज़ भारी होती है उसकी तरफ नीचे हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है, आप क्लियरली इसको करके घर पे भी देख सकते हैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट,
और इससे ये क्लियर हो रहा है कि हवा गर्म की जाती है तो फैलती है और हल्की हो जाती है, और ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है इसमें हवा गर्म हो गई, हल्की हो गई, इसलिए ऊपर चला गया पेपर बैग। और ये इसमें हवा जैसी है वैसे ही भरी है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं डाला गया, हीटिंग नहीं, तो ये अपने लेवल पर रहेगी। लेकिन ये गर्म होगी तो ये हल्की होगी और इसके कंपेरिजन में ये भारी हो गया है ना। तो ये एक्टिविटी हुआ हॉट एयर राइजिंग अप, गर्म हवा ऊपर जाती है। ठीक, तो ये सब सारे एक्टिविटीज़ हम लोगों ने जो देखे, ये मैंने आपको सारा समझा दिया जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या हम लोग समझे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। जैसे जैसे हम लोग हीटिंग देते हैं, गर्मी देते हैं, वैसे वैसे एयर एक्सपेंड होता है, फैलते जाता है और ज़्यादा स्पेस लेता है, ज़्यादा जगह लेता है। व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जब कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा जगह लेने लगे तो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाता है। जैसे मैंने अभी एक वेट का, एक लोहे के टुकड़े का बताया कि एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा है, लोहे का मान लीजिए इतना बड़ा, उसको पीट पीट कर या जैसे भी करके उसको इतना बड़ा कर दिया गया, तो बड़ा वाला हल्का हो जाएगा क्योंकि पतला हो गया, थिन हो गया, ज़्यादा स्पेस ले रहा है। वही केस इसमें हो रहा है एयर के केस में, कि एयर को भी बहुत ज़्यादा जब गर्म करते हैं तो वो हल्की हो जाती है और फैल जाती है, यानी हल्की हो जाएगी। ज़्यादा जगह ले रही है, उतनी से एयर इतना जगह ले रही है तो और हल्की हो जाएगी। तो ये इसी से क्लियर हो रहा है कि वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन कोल्ड एयर। ठंडी हवा से गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, लाइटर होती है। ठंडी हवा में मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है, जिसकी वजह से वो हैवी होता है ठंडी हवा। जबकि वार्म एयर जो होता है, गर्म हवा, उसमें जब हीट देते हैं तो वाटर वेपर वेपराइज हो जाता है, मतलब जो मॉइस्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है और ऊपर चला जाता है। ठीक, इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन, हम लोग नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना, ऐसे सिचुएशन को देख सकते हैं जहाँ पे गर्म हवा ऊपर जाती है, राइज अप होती है, हल्की हो जाती है गर्म हवा, इसलिए ऊपर जाती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, जहाँ हवा ऊपर जाती है तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया वर्सेस टू फिल इट्स प्लेस, जैसा कि हम लोगों ने हीट चैप्टर में पढ़ा था, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें यही हो रहा था कि हवा जो है, अगर कोई कहीं की हवा गर्म हो जा रही है तो ऊपर चली जाती है, हल्की हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है, फिर वहाँ का प्रेशर लो हो जाता है, प्रेशर लो हो जाता है तो फिर वहाँ हाई प्रेशर वाली ठंडी हवाएं जाकर उसका जगह ले लेती हैं। तो इस तरह से लैंड ब्रिज, सी ब्रिज जो प्रोसेस होता है कन्वेक्शन के थ्रू, इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, ये सारा भी इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी थ्योरी पे बेस्ड है ना। तो इससे इन सारे एक्टिविटीज़ और इन सारे चीज़ों से हमको एक बात तो क्लियर हो गई कि हवा जब को गर्म जब करते हैं तो फैल जाती है, या कोई भी चीज़ को गर्म करेंगे, केवल हवा की बात नहीं है यहाँ, केवल हम लोग एयर चैप्टर है, एयर से रिलेटेड चैप्टर है, दैट्स वाई एयर की बात कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को आप हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड होती है और हल्की हो जाती है। सिमिलरली यहाँ एयर का भी हो रहा है, एयर को हीट करेंगे वो लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और ऊपर चली जाती है, और उसके कंपेरिजन में जो कोल्ड एयर होती है उसमें मॉइस्चर या वाटर ज़्यादा होता है अमाउंट में, दैट्स वाई वो हैवी रहती है और नीचे रहती है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, जो हवा है वो मूव क्यों करती है, कैसे जनरेट होती है। हम लोग एयर जानते हैं गैसेस का मिक्सचर, लेकिन जो विंड होता है मूविंग एयर है, तो एयर मूव कैसे करती है, उसका रीजन क्या है, वो हम लोग इस टॉपिक से पढ़ना शुरू करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।